जोश नहीं लग रहा था। हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा होए। मेरा नाम आकाश है, मैं जुगियाल तो। मैं पिछले 4 साल तो एक बीमारी ना जूझ रहा सी, बहुत ज़्यादा परेशान सी बीमारी, मैंने साह दी सी अस्थमा की प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने डिकलेयर किया हुआ सी मेरे इनहेलर जेब च रहा 24 घंटे, एक जेब च रहा, एक गड्डी च, एक जिहड़ा साडा ड्रॉ हैगा बैड दा उहदे विच। मैनू दिन दे विच तकरीबन 5-7 वारी पंप लेना पैंदा सी। इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। डॉक्टर ने कहा एक बार अस्थमा हो गया, क्या डिकलेयर है भी तुम अस्थमा हो गया, सह की प्रॉब्लम है, ये ना तुम जूझते रहना वा, पंप ताडा जिहड़ा हैगा सोल्यूशन हैगा थोड़े टाइम वास्ते। मैंने सह चढ़ता से भजन के भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रोटी खानी मैं 3 रोटियां खानियाँ, तो चौथी खानी तो फिर सह की प्रॉब्लम, मैं बहुत परेशान से। मेरी मिसिज मेरे घर के सारे परेशान से भी चंगा भला हूँ, बचपन तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी, अचानक इदा आ गई, शैतान वालों से। जो मैं चर्च च आया तो आ कि एक दिन प्रेयर चल रही कि अपनी छाती से हाथ रखो, ताड़िया छाती दियाँ सह की बीमारियां सारिया जांदियां रहणगियां। अज एक साल पहला मैं मतलब इतने आया तो मैं दिलों मनिया कि हाँ परमेश्वर तुम मेरे ना चमत्कार करोगे, मैं रिसीव कर रहा, थोड़ी ब्लैसिंग रिसीव कर रहा। सचमुच परमेश्वर ने मैनू उस दिन तो अज तक पंप यूज नहीं कर दिता। परमेश्वर की बहुत वही कृपा है। और पिछले हफ्ते की गल है, मेरी मिसिज ने कहा कि अपने ATM दो मैं। मैं क्या ATM की करना, कहती प्रेयर होने लगी है पास्टर जी की, तो सारे ने अपने खात्या से प्रेयर करवाई पास्टर जी को, तो मैं भी करवा ली। मैं क्या चल लै करवा ला। पिछले 6 महीने तो मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही थी, बट 300 रुपया अचानक मेरे अकाउंट च आ गए एक हफ्ते, मैंने पता नहीं लगा कितनों आया, मैंने नहीं पता। उस तो बाद 4,000 रुपये एक ट्रांजैक्शन आई, 80,000 रुपये एक एडवांस आया, मतलब परमेश्वर ने मेरे अकाउंट में ब्लैस किया, तो बहुत ज़्यादा परमेश्वर की। देखो कोई भी यहोजा टाइम नहीं है कि जो मुसीबत का टाइम आया परमेश्वर ने नहीं बाह फड़ी। परमेश्वर के नाम की महिमा होए। सारे मेरे को ध्यान से परमेश्वर के विश्वास मारेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। उन्होंने जान तो बाद बस मैंने गलत करके मेरी लाइफ कर देना, क्योंकि ना मेरा कोई ब्रदर नहीं, ना मेरी कोई फैमिली ना कभी, और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सोचे। मैं इन्ना कि डिप्रेस कर लगी, इन्ना कि डिप्रेस कर लगी कि मैंने अपने काम की होर थी, अपनी होर थी, जिन्हें जिन्हें मैं मैंने सबसे ऑर्डर करी उन्होंने फोन का सोर्स पास करता एकदम कभी हो गई। फिर इसलिए हमें शुरू किया गया है एक दिन जो पास्टर जी वचन सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी से प्रभु का वचन आएगा, तुम उन्हें रिसीव करना, तुम फट के करना है। और मैं जो वचन पढ़ रही है, मेरी जिंदगी में वचन आया कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं इस वचन में मैं जितने मैं प्रेम करती हूँ ना, मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि प्रभु तेरा वचन है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। वह दिन मेरी जिंदगी से मेरे पिता की कमी पूरी हुई। मैं जितने जानी हाँ, मैंने ये नहीं लगता कि मैं कली हाँ, मैं रात कभी सोवी, मैंने तो भी नहीं लगता कि मैं कली सुनी हाँ, मैंने कोई डरा रहा यार, हमेशा मेरे नाल। और जो काम मेरे आज तक नहीं बने वो सारे बने, चाहे वो जॉब का ही, चाहे मेरी शादी का ही, चाहे घर मेरी बीमारी का ही, या घर से कले कले का ही, सब काम प्रभु की कृपा नाल बने। और मैं उन्होंने धन्यवाद कर रही हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद कर रही हूँ, पिछले बैठे हुए मीडिया का धन्यवाद कर रही हूँ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ,
पर आप मैं सुनती भी नहीं सी। जब मैं इतने आके चर्च में रिसीव की है गल, मेरी दर्द उससे टाइम ही खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। उस दिन तो मैं बड़े ही शानदार सुनती हूँ, मेरे कोई भी भेद नहीं है। थैंक यू जी, धन्यवाद। जल्दी आओ।